हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज रोहिणी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्रेश फ्रूट केक। चलिए तो ये केक बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये 1 किलो का व्हिपिंग क्रीम का बॉक्स है, उसमें से हमें 1/2 kg व्हिपिंग क्रीम लेना है। ये 1/2 kg स्पॉन्ज के लिए, इस 1/2 kg के स्पॉन्ज के लिए ये 240 ml के कप से हमें लेना है 1 कप भर के व्हिपिंग क्रीम। आपके पास अगर 250 ml का कप है तो वो कप से आपने 1 कप क्रीम लिया तो भी चलेगा। यहाँ पे ये मैंने मार्केट स्टाइल वैनिला केक स्पॉन्ज लिया है। इसे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ कैसे बनाना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लेयर्स कट करने के लिए हमें इसको नाइफ से ऐसे मार्क करना है। उसके बाद हमें एक धागा लेके जो हमने मार्क किया था उसके अंदर डालना है और धागे को दोनों हाथ में क्रॉस पकड़ के धीरे से खींचना है। उसके बाद आप देख सकते हो ये लेयर कितने फिनिशिंग के साथ कट हुआ है। और ये केक स्पॉन्ज का आप जाली भी देख सकते हो, ये मार्केट स्टाइल रेडी प्रीमिक्स है जो मैंने घर पे ही रेडी किया है। ये किसी भी ब्रांड का नहीं है। 1/2 किलो के स्पॉन्ज में एक ही लेयर कट होता है, आप 2 लेयर भी कट कर सकते हो लेकिन वो थोड़े पतले हो जाएंगे। 1/2 kg केक स्पॉन्ज के लिए यहाँ पे मैं 1/2 kg व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। यहाँ पे ये मैंने 240 ml का कप पूरा भर के लिया है। आपके पास अगर 250 ml का कप है तो आप उससे 1 कप ले सकते हो। इस क्रीम को अब मैं फेंट के रेडी करती हूँ। अब हम केक का फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने आधा एप्पल बारीक चॉप करके लिया है, उसे इस फेंटी हुई व्हिप क्रीम में ऐड करना है। अब इसके अंदर हमें डालना है 3 से 4 ड्रॉप मिक्स फ्रूट इसेंस। अब हमें ऐड करना है मिक्स फ्रूट क्रश। मैं इसमें 1 से 2 टेबलस्पून जितना मिक्स फ्रूट क्रश ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर अलग अलग फ्रूट के क्रश है तो आप वो इसमें थोड़े थोड़े ऐड कर सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। क्रश आप ज़्यादा ऐड करोगे तो क्रीम पतली होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर मैंने ये केक बोर्ड लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगाना है। अब हमें इसके ऊपर रखना है केक का लेयर। जो सबसे ऊपर का लेयर है वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। इस लेयर को हमें ऐसे उल्टा करके रखना है। अब हमें इसे सोक करना है। उसके लिए यहाँ एक बॉटल में मैंने ये नॉर्मल पानी लिया है, आप शुगर सिरप से भी इसे सोक कर सकते हो। शुगर सिरप जो है 1/2 kg स्पॉन्ज के लिए अप्रोक्सीमेट 200 ml इतना लगता है। ये मेरे पास 200 ml का कप है और 1/2 kg स्पॉन्ज के लिए लगेगा 200 ml का आधा 100 ml। इसमें भी 1 से 2 टेबलस्पून कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो हर एक केक स्पॉन्ज के ऊपर डिपेंड है। तो इस 1/2 kg के स्पॉन्ज के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 100 ml नॉर्मल वाटर। अब इसे अच्छे से सोक करना है। आपको शुगर सिरप यूज़ करना है या नॉर्मल वाटर यूज़ करना है वो आप जो स्पॉन्ज यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। स्पॉन्ज कितना मीठा है और कितना टेस्ट में फीका है उसके ऊपर। स्पॉन्ज मीठे में कम है तो आप शुगर सिरप यूज़ कर सकते हो। अब इस केक को मैं रिंग का यूज़ करके फिनिशिंग कर रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने ये रिंग डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने जो फिलिंग रेडी करके रखा था वो डालना है। अब स्पैचुला की मदद से ये जो फिलिंग है वो हमें इक्वली केक के बेस के ऊपर ऐसे स्प्रेड करना है। अब इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा मिक्स फ्रूट क्रश डाल रही हूँ, इसे भी हमें इस लेयर के ऊपर ऐसे स्प्रेड करना है। अब जो केक का नीचे का लेयर है उसे हमें ऐसे ऊपर रखना है, उसका बटर पेपर ऐसे निकालना है और इसे भी हम अब शुगर सिरप से सोक करेंगे। अब इस रिंग को ऐसे धीरे से उठाना है। आप देख सकते हो केक को कितना मस्त फिनिशिंग आया है साइड से। यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग में क्रीम भर के कट लगा के लिया है, उसे ऐसे पकड़ना है और सिर्फ टर्निंग टेबल को घुमाना है। इस केक को साइड से भी क्रीम से कवर करना है। अब पैलेट नाइफ लेके हमने जो क्रीम लगाई थी उसे ऐसे लेवल करना है। अब स्क्रैपर की मदद से केक को हमें साइड से अच्छे से फिनिशिंग करना है। नीचे का जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हमें टिश्यू पेपर की मदद से ऐसे क्लीन करना है और अब ऊपर का जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमें पैलेट नाइफ थोड़ा सा ओपन पकड़ के उसे ऐसे अंदर पुश करना है। अब इस केक को अच्छे से फिनिशिंग कर दिया है। आप इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हो सेट होने के लिए।
अब हम इसे कोम्ब इफेक्ट देंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने जिगजैग का स्क्रैपर लिया है। स्क्रैपर को ऐसे पकड़ के टर्निंग टेबल को स्क्रैपर के साइड में घुमाना है। अब इस केक को हम ऊपर से फ्रेश फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेश फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज लिया है, इसको ऐसे थीन स्लाइस में कट करना है। जो ऑरेंज के मैंने स्लाइस करके लिया है उसको हमें मिडल से ऐसे इसके दो पार्ट करने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये दो पार्ट कर दिए हैं। आप इस ऑरेंज के थीन स्लाइस को ऐसे सीजर की मदद से भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब हम कीवी को भी कट करेंगे। कीवी के साइड का जो पार्ट है, छिलका है, उसे हमें ऐसे निकालना है। कीवी के साइड का सारा छिलका मैंने निकाल दिया है। अब इसे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। इसके बीच वाला जो पार्ट रहता है उसे मैंने निकाल दिया है। अब कीवी के भी हम ऐसे छोटे छोटे स्लाइस करेंगे। इसी तरह हमें स्ट्रॉबेरी को भी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। इसी तरह एप्पल को भी हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है और इसके भी हमें ऐसे थीन स्लाइस कट करने हैं। अब हमने जो फ्रूट के स्लाइस करके लिए हैं उसे हम केक के ऊपर अरेंज करके केक को डेकोरेट करेंगे। जो ऑरेंज है उसे मैं ऐसे साइड में लगा रही हूँ। अब ऑरेंज की स्लाइस मैंने केक के पूरे साइड में लगा दिए हैं। अब जो एप्पल के स्लाइस है उन्हें हम केक के ऊपर अरेंज करेंगे। एक स्लाइस रखने के बाद उसको ओवरलैप करके दूसरा स्लाइस रखना है। पूरे राउंड में हम इन्हें ऐसे ही अरेंज करेंगे। अब इसके अंदर हम कीवी के जो हमने स्लाइस किए थे उन्हें थोड़ा सा ओवरलैप करके रखेंगे। जब भी आप केक को डेकोरेट करने के लिए फ्रेश फ्रूट का यूज़ करेंगे तब आप उसके ऊपर फिंगर से न्यूट्रल जेल लगाइए, उससे फ्रूट जो है फ्रेश दिखते हैं। कीवी रखने के बाद मैंने जो स्ट्रॉबेरी के दो पार्ट करके लिए थे वो ऐसे अरेंज कर रही हूँ। अब केक के मिडल में मैं थोड़े से पोमोग्रेनेट के दाने रख रही हूँ और पोमोग्रेनेट का एक एक दाना लेके हमें साइड से भी ऐसे ऐसे लगाना है। सारे फ्रेश फ्रूट्स को मैंने केक के ऊपर रख दिया है। अब इस केक को हम साइड से बॉर्डर करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने नूर 12 नंबर का नोज़ल लिया है। इस नोज़ल से शेल का डिज़ाइन रेडी होता है। इसे हमें ऐसे पकड़ना है और ओवरलैप करके हमें इसी तरह ये बॉर्डर कंप्लीट करनी है। इसी तरह हम नीचे भी बॉर्डर बनाएंगे। पाइपिंग बैग को ऐसे पकड़ना है, आगे पीछे ऐसे करके हमें ये बॉर्डर कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एगलेस फ्रेश फ्रूट केक रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपके लिए अलग अलग केक्स के डिज़ाइन और फ्लेवर्स लेके आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।